सभी की तालियों के बीच में यहाँ पर स्वागत करते हैं 5G सर्विस का इंडिया टुडे लेडीज एंड जेंटलमैन। देश के प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान से 5G इंटरनेट की सेवाओं का औपचारिक ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही भारत 5G सेवा देने वाले देशों की लिस्ट में एक और कदम आगे बढ़ा देगा। हालांकि देश में 5G इंटरनेट सेवा शुरू होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। रिलायंस जियो दिवाली के मौके पर 13 शहरों में 5G सेवाएं शुरू करेंगे। इसके बाद देश में 5G सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएंगी। दुनिया में कई देशों में 5G सेवाएं पहले से इस्तेमाल की जा रही हैं। तो आइए जान लेते हैं कि भारत में क्या है इंटरनेट की स्पीड और भारत के ग्रामीण इलाकों में 5G इंटरनेट स्पीड को पहुंचने में कितना समय लगने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन देशों में 5G इंटरनेट ऑलरेडी अवेलेबल है और वो भी किस स्पीड पर। अगर इंटरनेट स्पीड की बात करें तो सबसे तेज इंटरनेट सऊदी अरब में उपलब्ध कराया जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी अरब में लगभग 414.2 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड मोबाइल उपभोक्ताओं को मिलती है। यानी स्पीड के मामले में सऊदी अरब टॉप पे है। बाकी देशों की स्पीड का क्या हाल है आपको लिस्ट में बता देते हैं। सऊदी अरब हमने बताया 414.2 Mbps, साउथ कोरिया 312.7 Mbps, ऑस्ट्रेलिया 215.7 Mbps, ताइवान 210.2 Mbps, कनाडा 178.1 Mbps, स्विट्जरलैंड 150.7 Mbps, हांगकांग 142.8 Mbps, यूनाइटेड किंगडम 133.5 Mbps, जर्मनी 102.0 Mbps, नीदरलैंड्स और अमेरिका 79.2 Mbps। अब बात करते हैं भारत की। अगर भारत में इंटरनेट की स्पीड की बात करें तो भारत के गाजियाबाद जिले में 50.9 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड मिलती है। अगर पूरे देश की बात करें तो अभी फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन से औसतन 30 से 35 Mbps के बीच स्पीड यूजर्स को मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि भारत के गांव में कब तक पहुंचेगा 5G। देश के कोने कोने में 5G इंटरनेट को फैलाने के लिए रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने कमर कस ली है। जियो ने देश के हर गांव में 5G इंटरनेट सेवा को पहुंचाने के लिए 2 लाख करोड़ के निवेश की बात की है। हालांकि इसे अभी थोड़ा दूर का प्लान माना जा रहा है। तकनीकी जानकारों के अनुसार गांव-गांव में इस सेवा को पहुंचाने में अभी कम से कम 1.5 साल तक का समय लग सकता है। वहीं मोबाइल कंपनियां दावा कर रही हैं कि वो दिसंबर 2023 तक देश के हर कोने में 5G सर्विस पहुंचा देंगी। अगर कंपनियों का दावा सही है तो मान लीजिए कि गांव में 1 साल के अंदर अंदर 5G की सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। यार आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।